कांग्रेस का हाथ देश विरोधी ताकतों के साथ एक बार फिर नजर आया। जब राज्यसभा का चुनाव कर्नाटक में होता है, कांग्रेस का उम्मीदवार जीतता है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। आखिर ये कौन लोग थे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, और कांग्रेस ने इसको नकारा क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। ये साफ दिखाता है, एक तो गलत काम किया, फिर उस पर पर्दा डालने का काम किया। जब भाजपा ने अपना प्रेशर बनाया, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आई, तब पता चला कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। आखिरकार नासिर हुसैन के जीतने पर ये किन लोग थे जो विधानसभा में आए थे? क्या विधायकों के परमिशन लेकर वहाँ नहीं आए थे और कांग्रेस के विधायकों ने बुलाया था? और ये माननीय राज्यसभा सांसद भी किसी और के साथ नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जुड़े हुए हैं, उनके ऑफिस के साथ सीधे जुड़े हैं। अगर भाजपा फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मंगवाती तो देश के सामने सच्चाई नहीं आती। लेकिन पहली बार नहीं है, इससे पहले टुकड़े टुकड़े गैंग का साथ दिया, और हमने तब भी कहा था कि देश के कितने टुकड़े करवाना चाहते हो। अब वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया है। एक और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो कुछ दिनों के बाद बेंगलोर में बम धमाका होता है। आखिर कहाँ ये सारी स्थितियाँ जा रही हैं? कांग्रेस का हाथ किस किस के साथ जुड़ा हुआ, किन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वोट की राजनीति के लिए कितना नीचे कांग्रेस गिरने वाली है। खड़गे जी, सोनिया जी, जवाब दीजिए। देश पूछता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्या आपको मंजूर थे? क्या जानबूझ के लगवाए गए? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए लगवाए गए, या उन ताकतों को संरक्षण देने का काम किया जो देश विरोधी हैं और आखिरकार देश से सच छिपाने का काम आपकी सरकार ने क्यों किया? इसका दोषी कौन है? आपने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की? जिस स्थिति में कांग्रेस आकर आज खड़ी है, उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, स्वयं कांग्रेस है। खेल महाकुंभ में आज हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जिला बिलासपुर से भव्य आयोजन किया जा रहा है, जहां पर हमारे देश की टीम के, टीम इंडिया के, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ आज उसका आगाज करने आ रहे हैं। इससे पहले भी लगभग 45,000 युवाओं ने पिछले खेल महाकुंभ 2.0 में भाग लिया था, और इससे नशों से दूर रहने और खेलों को बढ़ावा देने को बल मिलता है। रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ का जीवन अपने आप में बहुत प्रेरणादायक रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है हज़ारों युवाओं को इनसे प्रेरणा भी मिलेगी और हम खेलों को बढ़ावा भी देंगे।